देखो मित्रों, इतने दिन से मैं गायब चल रहा था, उसके कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरा रीजन कुछ तबीयत को लेकर ही है। मतलब थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा था और कुछ हो गया था मुझे, मतलब कुछ क्या फीवर हो गया था भैया, बहुत भयंकर वाला, जिसकी वजह से मैं इरेगुलर हो गया था। तो बेसिकली देखो, बात ऐसी है कि कुछ टाइम बाद मैं वीडियो डालूंगा, बट हाँ डालूंगा, थोड़ा सा आप वेट कर लेना। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईजीएल के ऊपर। देखो उनको बात बताता हूँ, टीम में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो फिजिकली और इमोशनली और खास तौर से मेंटली हर चीज को सहने की और हर चीज को लीड करने की क्षमता रखता हो। मतलब हाँ, तुम थोड़ा सा सही रिलेट कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं आईजीएल की। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग आईजीएल के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हर एक चीजों को लेकर चलेंगे और डीप डाउन जाएंगे। और पहली बात तो मैं बता दूं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मतलब लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब मतलब मस्ट कर लेना, और अपने ई-स्पोर्ट एथलीट के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। और देखो तुम्हें एक बात बताता हूं, ऐसी चीजें कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे गए हैं जो बाकी सारे यूट्यूबर से बहुत अलग करते हैं। देखो मेरी बात कुछ होती है एकदम हार्ड टू हार्ड अटैच, वन टू वन पर्सनली मैं ऐसा अटैच करता हूं और ऐसे ही समझाता हूं, मतलब वन टू वन फील के साथ समझने में अलग ही मजा है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली मिनिमल विजुअलाइजेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बहुत सारे कम प्लेयर ऐसा करते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल प्लेयर ऐसा करते हैं वो लोग। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम्हारी टीम की फाइट हुई, बेसिकली तुम्हारी एक टीम है, सामने अपोनेंट टीम है, अगर तुम्हारी फाइट हो जाती है, सपोज एंगेज जाते हो तुम, तुम्हारी टीम में कुछ ऐसे बंदे जरूर होंगे जहां तुम एंगेज कर रहे हो फाइट को लेकर के, और तुम हेल्प के लिए बोलो ही ना, मतलब तुमको हेल्प की जरूरत है लेकिन तुम बोल ना पाओ, उस टाइम अपने गेम प्ले पे फोकस कर रहे हो, कॉल नहीं मतलब नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे अपोनेंट वाले बंदे या फिर तुम्हारी टीम वाले बंदे समझ ही नहीं पाएंगे। बेसिकली तुम्हारी टीम के बंदे समझ ही नहीं पाएंगे तुमको हेल्प की जरूरत है। तुम्हारी एचपी कम होती जा रही है लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग वहां पर नहीं ध्यान देंगे। तब तक ही ध्यान नहीं देंगे जब तक कि तुम उनसे एक बार बोलोगे नहीं भैया हेल्प तो करो, सपोर्ट तो करो, तुम कहेगी सपोर्ट करो, तब जाके वो तुम्हारे पास कवर देने के लिए आएंगे। बेसिकली कुछ ऐसे टीममेट होते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि अगर एक स्क्वाड से तुम एंगेज कर रहे हो, साथ साथ तुम्हारी थर्ड पार्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम अगर खुले में एंगेज करते हो तो वहां से अगर तुम्हारी थर्ड पार्टी हो भी जाती है, सपोज करो ठीक है, वहां से मतलब बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं और बंदे की फायर की आवाज आ रही है और तुम मिनिमैप बिल्कुल देख भी नहीं रहे हो, तो वहां पे तुम्हारे लिए इतने ड्रॉबैक्स देखने को मिल जाते हैं कि तुम सपोज सोच भी नहीं पाओगे। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम उस एडवांटेज को लेकर तुम डिसएडवांटेज में पड़ जाओगे और तुम्हारा थर्ड पार्टी होगी तुम निपटा दीजिए। उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को परखने के लिए क्या होता है कि तुमको विजुअलाइजेशन अपना एकदम क्लियर और एकदम शॉर्ट रखना होता है। ये काम होता है एकदम आईजीएल का। बेसिकली आईजीएल को कॉल, देखो ऐसा नहीं है कि तुम बाकी सारे प्लेयर नहीं कर सकते हैं, आईजीएल का काम ये होता है कि ध्यान देना, चीजों को अच्छे समझना, क्योंकि एक टीम का मतलब गेम प्ले वो पूरे बंदे के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जैसा होगा तो उससे रिलेट कर पाएगा। बेसिकली 60% गेम प्ले उसके डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर और उसके विजुअलाइजेशन के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कभी कभी होता क्या है, बहुत सारी स्क्वाड्स के अंदर कुछ ऐसे आईजीएल होते हैं जिनका गेम प्ले होता है एकदम मिनिमल, मतलब बिल्कुल एकदम लिमिटेड गेम प्ले होता है, और वो लोग बेसिकली बाकी सारे टीम्स को या टीममेट को टॉर्चर करते रहे। ये मैंने खुद सहा है, खुद मैंने देखा है और खुद एकदम एक्सपीरियंस किया है, लोगों से भी पूछा है। बेसिकली होता क्या है, अगर तुम एक आईजीएल हो तो तुमसे भैया हम्बल रिक्वेस्ट है कि तुम बिल्कुल टॉर्चर करो गेम प्ले को, मतलब बाकी लोग को भी टॉन्ट मारो लेकिन हाँ अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि देखो गाइस होता क्या है कि तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बड़ा पड़ा है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हम इस चीज पे भी फोकस करते हैं और इस चीज पे हम एकदम ट्रस्ट करते हैं कि जिनका गेम प्ले अच्छा नहीं होता है, मतलब बेसिकली उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। भाई मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम करो या मत करो, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है कि वन टू वन फाइट करना, एंगेज करना पड़ जाता है, तो बेसिकली तुम्हारा गेम प्ले उस लेवल का होना चाहिए कि तुम्हारे बाकी टीममेट को तुमको सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली अगर तुम कभी अलग टीम से एंगेज हो जाते हो, मतलब अपोनेंट सामने, मतलब सामने बंदा आ जाता है, अपोनेंट आ जाता है, तो वहां पे तुमको अपने मतलब कॉल देने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर तुमको ये ना बोलना पड़े कि भाई मुझे सपोर्ट करो आके, तो वन टू वन फाइट में एंगेज कर जाओ, वहां पर तुम विन कर जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेटजी और इतना स्टेमिना होना चाहिए और इतने तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। और आजकल तुम देखोगे तो हर दूसरे बंदे का गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल का है, गेम प्ले के साथ साथ तुम्हारे पास खुद की स्किल्स भी होना जरूरी है। स्किल हमेशा गेम प्ले की नहीं होती, स्किल होती है तुम्हारे एक्सपीरियंस की, स्किल होती है तुम्हारे माइंड। अगर तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये तो वही बात हो, गेम प्ले झाट भर FF16 सपने देखे रात भर। यार छोड़ो, हम अभी थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेसिकली हमारे हर वीडियोस में थोड़ा सा रिलेटेबल टिप्स होती है बेसिकली, तो अभी इस चीज को तुम ध्यान से समझना यार, बहुत सारे कम लोग रिलेट कर पाते हैं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि नहीं दो लोग का रिलेशन है, तीन लोग का रिलेशन है, चार लोग का रिलेशन है, बेसिकली किसी दो लोग का रिलेशन है उसमें होता क्या है, एक टाइम आता है जब रिश्तों में ज्यादा मिठास होती है ना तो वहां पर करवाहट आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इतनी मिठास होने के कारण वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, उसमें बहुत सारी करवाहट आने लगती है। उन बीच एक चीज होती है टचडी होती है जिसको बोलते हैं, उसमें एक बंदा एफर्ट डालता है, एक बंदी एफर्ट डालता है, मतलब कुछ भी करता हूं। देखो बेसिकली तुम रिलेट करना, भावनाओं को समझना बस, उसमें से एक पर्सन डालता है अपने पूरे एफर्ट और दूसरा होता है एकदम न्यूट्रल, बस इसी कारण क्या होता है कि रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और एक टाइम आने बाद वो सब खत्म हो जाता है। देखो तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी है, चाहे वो तुम्हारी गेम का रिलेशन हो या फिर तुम्हारे फैमिली का रिलेशन हो या फिर तुम्हारे आपसे मतलब आपसे एकदम पर्सनल रिलेशन हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या बात करने चाह रहा हूं। तो उस टाइम एक चीज बचती है जिसको बोलते हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर ये चीज नहीं होती, मतलब दोनों लोग आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं, चारों लोग आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं, जिन लोग का रिलेशन है वो लोग आपस में बैठ के बात करके डिस्कस करके सॉल्व नहीं करते हैं, डिस्प्यूट करके उस चीज को एकदम अच्छे तरीके से
सॉल्व नहीं करते तो बेसिकली ये चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं और एक टाइम आने के बाद पूरा का पूरा खराब करती है। सो यू गाइस डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एज मच एज यू कैन, ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट व्हिच मे लीड टू इंक्रीज द रिलेशन टेन्योर। मतलब समझ रहे होगे, मतलब इतना इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। ठीक उसी प्रकार से गेम में ले लो, अगर किसी एक बंदे का गेम प्ले अच्छा नहीं है, मतलब अगर एक बंदे गेम प्ले नहीं कर पा रहा है और उसको तुम बार बार टॉर्चर कर रहे हो, तो बेसिकली तुम्हें एक बात बताता हूं, ये गाथा मैंने इसलिए सुनाई, कभी कभी क्या होता है कि नई नई टीम जो बनती है उनमें से फाइट बहुत जल्दी होती है, मतलब उनमें गर्मा गर्मी बहुत जल्दी देखने को मिलती है क्योंकि आगे आने वाले जितने बंदे हैं उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है, मतलब बहुत ही कम बंदे कूल डाउन से मतलब वर्क करते हैं और सारे बंदे एकदम गर्मी गर्मा दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल के क्लास 8-9 के लौंडे गुंडाई करते हैं, तो बस मतलब यही चीज बता रहा हूँ कि भाई तुम मेरी एरिया में होता ना तुमको इतना मारता मैं, ये सब मैंने देखे हैं भाई, एक्सपीरियंस किया है। तो निब्बो वाली हरकतें नहीं करनी है, अगर टीम अच्छी भी नहीं है तो फिर भी उस पर फोकस करो और ट्राई करो कि उस तुम डिस्प्यूट को सॉल्व करो, ये काम होता है आईजीएल का। अगर किसी दो बंदे के बीच में भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उनमें से क्या होता है कि आईजीएल का काम ये होता है बेसिकली उन सब रिलेशन को सॉल्व करवाना ताकि इसका गेम प्ले मतलब इसका इफेक्ट गेम प्ले पे ना पड़े, बेसिकली बस इतना काम होता है। इन सब चीजों में मतलब आईजीएल को बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती जो कि नेगेटिविटी होती है बेसिकली प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारे मेजर इश्यूज आते हैं, इन सब चीजों को हैंडल करना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट देन बहुत सारे बंदे हमारे से ये बोलते हैं भैया कि हमको अपने प्लेयर्स के साथ या फिर एथलीट के साथ हमको फ्रेंडली होना है या नहीं होना है, बेसिकली ये बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है। देखो प्लेयर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उस बंदे से फ्रेंडली होना है कि नहीं होना है और बेसिकली तुम्हारे गेम प्ले पे डिपेंड करता है, बेसिकली तुम्हारे नहीं तुम्हारी टीम के गेम प्ले पे। अगर गेम प्ले बहुत डाउन है तो भैया बिल्कुल फ्रेंडली मत हो तुम, मतलब नॉर्मल रहो, ऐसा नहीं है। कभी कभी देखो होता क्या, तुमको एक मतलब एग्जांपल देकर समझाता हूं, लैंग्वेज रखो अपने एक लेवल तक फ्रेंडली रखो, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हर चीज को मेंटेन करो और एक लेवल तक फ्रेंडली रखो, ये भी नहीं क्या ये तो आए चल अपना दोस्ती अपना ये है उसको समझा देंगे क्या गेम प्ले नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, भाई बिल्कुल ऐसा मत रखो। जो बंदा इस एटीट्यूड से तुम्हारे गेम प्ले के अंदर है मतलब तुम्हारी टीम के अंदर है उसका गेम प्ले एकदम मिनिमल है, वो नहीं फोकस कर रहा है तुम्हारे लक समझाने के बाद भी, उसको काम करो वार्निंग दो, निकालो मत, देखो भाई किसी बंदे को निकालो मत, मतलब बहुत ज्यादा अलग फील होता है, निकालना किसी बंदे को मत, ड्रॉप कर दो, सब्स्टिट्यूट ले लो कुछ टाइम के लिए, लेकिन हाँ निकालना मत। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, सपोज कोई एक एक्स टीम है जिनमें से चार बंदे बहुत ज्यादा फेमस है और उन सब बंदों की एक टीम बनी हुई है, बहुत दिन से टीम बनी हुई है और उनमें से क्या हो रहा है आईजीएल क्या करता है एक गेम प्ले करवाता है, सारे के सारे बंदे गेम प्ले कर रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो बार बार परफॉर्म नहीं कर पाता है और आईजीएल क्या करता है उसको पूरी स्क्वाड के सामने देता है पेल एकदम कायदे से और उसकी लैंग्वेज बहुत बेकार होती है, तो उनमें से जिस बंदे को बोला जाता है तो वो बंदा एकदम रिग्रेट फील करता है, वो बंदा भाई मैं काबिल ही नहीं हूं क्या, उसको ऐसी फीलिंग आती है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि भाई मैं इतना बड़ा हूं मैं मतलब मेरे को कैसे बोल दिया ऐसा, मतलब नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि भाई मेरे को कैसे बोल दिया, मेरी ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरा गेम प्ले एकदम अच्छा नहीं है, भाई मेरी तो रीच गिर जाएगी, हमको इन्होंने बहुत बेकार समझ लिया। तो ये सब एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। इनमें से क्या होता है भाई तुम आईजीएल के बीच में बहुत सारी गलती, 50% आईजीएल करती है, 50% उस बंदे की गलती जैसा उसने रिस्पॉन्ड किया। अगर वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करता है तो भाई उस बंदे से अच्छा मैंने जिंदगी में बंदा नहीं देखा, ये भी समझ लेना। अगर वो बंदा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है उससे बड़ा चूतिया मैंने आज तक नहीं देखा, ये भी समझ लेना। अब उस बंदे को तो बात लग गई है, अब वो क्या करेगा उस टीम से ड्रॉबैक कर लेगा और वो अपनी अलग टीम बना लेगा या फिर कोई अलग टीम ज्वाइन कर लेगा, उस टीम का एक प्लेयर कम हो गया। तो इनमें से क्या होता है बहुत सारी चूतिया पे वजह से टीम टूट जाती है। आईजीएल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि हाँ तुम एक चीज को बोल दो तो हाँ प्लेयर्स भी सीरियस ना लें सब चीजों को लेकर, मतलब सीरियस गेम प्ले को लेकर लें लेकिन हाँ जो दिल पे बात जाती है उन सब चीजों को सीरियस बिल्कुल ना लें। ये सब होने के बाद प्लेयर सोचते हैं कि भाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तुम कैसे आ गए, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम बुरा मान जाएंगे, हम टीम छोड़ देंगे, तो ये सब चीजें कर करके सेम हो जाता है और टीम छोड़ देता है बंदा। ठीक है, बहुत सारी बंदों को मैंने देखा है, बहुत सारी टीम को भी देखा है। क्यों? क्योंकि भैया प्लेयर को दिखती है अपनी रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो एकदम इस चीज को सीरियस ले लेते हैं कि भाई तुमने हमारे बारे में बोल कैसे दिया, तुम्हारी मतलब हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो इन सब चीजों की वजह से टीम टूट जाती है। तो इसमें आईजीएल के अंदर एक खूबी होनी चाहिए बेसिकली, इसमें से अगर टीम टूटेगी तो गलती होगी 50% आईजीएल की क्योंकि उसने ऐसी हरास लैंग्वेज यूज की होगी, ठीक है, और 50% गलती होगी उस प्लेयर की जो बंदे ने मतलब नेगेटिवली समझा होगा, उस चीज को अच्छे से लिया नहीं होगा, हालांकि मतलब आईजीएल ने बोला अच्छे के लिए है, बट हाँ कुछ चीजें होती जो लग जाती है। देखो गाइस रिश्ता हो या कोई काम गलतियां सबसे होती है मतलब हर एक चीजों में, तो ठीक है समझने वाला एकदम अच्छा होना चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ अच्छे से, कोई भी गलती हो जरूरी नहीं कि तुमको मैं गेम प्ले के बारे में बात करूँ, स्पोर्ट को लेकर ही बात करूँ। अब तुम्हारी मतलब पर्सनल लाइफ में भी अगर बहुत सारी गलतियां लोगों से हो जाती हैं और वो माफी मांगने के लिए एकदम दिल से आ जाता है आगे, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, कभी मतलब उसका दिल मत तोड़ना, वो चाहे जो भी हो मेल फीमेल कुछ भी हो, मतलब तुम्हारा घर का ही मामला चुना हो, उस चीज को एक्सेप्ट करना और आगे के लिए मूव करना साथ में एकदम कोऑर्डिनेट करके। इससे आगे के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब लंबी उम्र तक चल जाते हैं और इससे क्या होता है बेसिकली तुम्हारी जो दिल की तसल्ली है ना एकदम बढ़ जाती है। खैर ये तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए आईजीएल को क्या करना चाहिए था, बेसिकली थोड़ी सी लैंग्वेज यूज कर देनी चाहिए थी, पर्सनली उसको कॉल करके बंदे को बोलना चाहिए कि भाई तेरा गेम प्ले अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं इसलिए मैंने चार बंदे के सामने तेरे को कॉल नहीं किया, फिर मैंने नहीं बोला ग्रुप में ताकि तुम्हें मतलब रिग्रेट फील ना होता, अब तो एक काम कर अपने गेम प्ले फोकस कर भाई और अच्छा कर, तो अच्छा कर रहा है लेकिन हाँ और अच्छा कर, तो उस बंदे को ना मोटिवेटेड फील होगा और ये फील होगा कि भाई मतलब बंदा मेरे लिए केयर करता है। एक आईजीएल जो बहुत दूर बैठा है हमसे सिर्फ एक वर्चुअली कनेक्टेड है और वो बंदा केयर कर रहा है अपनी स्क्वाड को आगे ले जाने में, वो बंदा केयर कर रहा है पर्सनली हर एक चीज को लेकर, तो ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खैर पांचवें पॉइंट की बात करें तो बेसिकली हमारी टीम टीम्स और बाकी जो अंडरडॉग है उनमें से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन का और होता है कॉल का और बेसिकली होता है फायर पावर का। तो ये चीजें अपनी अगर तुम मेंटेन कर लेते हो और अपने आप स्टक हो जाते हो कंसिस्टेंट रहते हो तो भाई तुम्हारा गेम प्ले मतलब कोई अंडरडॉग से और टीम टीम्स में कोई
प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। मतलब तुम भी अच्छा परफॉर्म करोगे, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारा गेम प्ले मतलब खराब हो जाएगा, तुम बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करोगे। बस कुछ चीजों का मिनिमल मतलब मिनिमल चीजों को तुम फोकस करो। पहली बात तो ये कि तुम कोऑर्डिनेशन पे फोकस करो, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आउट हैं, कॉस्ट पे फोकस करो, इसके लिए मैं वीडियो ले आऊंगा। फायर पावर पे फोकस करो, इसके लिए वीडियो पुरानी वाली आउट है बट हां न्यू वीडियो ले आऊंगा, अपडेटेड वीडियो। मतलब चीजों को थोड़ा सा समझो, गलतियां कहां हो रही हैं उसको सुधारो। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट, देखो लीस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। कभी भी तुम अपने प्लेयर को स्विच मत करो। मैंने बहुत सारी टी20 में देखा है प्लेयर स्विच करते रहते हैं, अच्छे प्लेयर ढूंढते रहते हैं कि हमको भाई पका पकाया मिल जाए, काला जाम मिल जाए, हम निपट लेंगे, खा लेंगे उसको, मेहनत ना करनी पड़े। तो ये सब चीजें ना एकदम अलग रखो। अगर तुम इस फील्ड में आए हो, ई स्पोर्ट की फील्ड में आए हो, फिर तुम डिफेंस की फील्ड में आए हो, तो भाई ई स्पोर्ट एक वर्चुअली डिफेंस कनेक्टेड नेटवर्क है और डिफेंस जो होता है वो फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क। तुम वर्चुअली कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हो, यहाँ पर जो डिफेंस पर्सनलिटीज होती है वो बेसिकली फिजिकली कोऑर्डिनेशन की बात करती है, क्योंकि तुम्हारे कोऑर्डिनेशन लैक होने से तुम्हारी गेम प्ले का नुकसान होता है, लेकिन अगर उनका कोऑर्डिनेशन लॉस होगा तो भाई बहुत देश का नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीजों को समझना जाता है अच्छे। और हाँ, ये भी डोंट स्विच एंड जस्ट प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड गेम प्ले। मतलब कभी नहीं यार, हमेशा स्टक रहो एक के ऊपर, ठीक है। अगर वो गलत है तो मेक देम राइट एज यू आर, मतलब अपने जैसा तुम बना दो उनको। गाइस ट्राई टू स्पेंड मंथ एंड ईयर्स, मतलब स्टक रहो और वेट करो, परफॉर्मेंस तुम्हारी कब बेटर होगी वो तुम समझ भी नहीं पाओगे। मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और काफी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। तो वो लोग तुम करते हो, अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर तुम हो, अगर तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हो, तुम बेसिकली रिलेशन के अंदर, तो तुम स्पेंड टाइम करते हो, मतलब टाइम स्पेंड करते हो बेसिकली, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए और तुम अच्छे समझ पाओ इंसान को या उस पर्टिकुलर शख्स को। इसमें भी वही चीज तुम लागू करो, अपने प्लेयर्स को समझने के लिए तुम स्टक रहो एक के ऊपर, ठीक है। बी लॉयल टू योर एथलीट्स, मतलब हमेशा उनके साथ लॉयल रहो। ऐसा नहीं कि उनके एब्सेंस पे तुम उनकी टीम को निकाल दो, अपने अलग बंदे को खिला लो और उनको तुम ले लो, उसको निकाल दो, उसका गेम प्ले अच्छा तुमको लगने लगे अपने नए प्लेयर का, तो ये सब मत करो यार, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो पुराना प्लेयर है ना, उसका कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसका मोरल वोरल सब डाउन हो जाता है और ये सोचता है कि भाई मैं किसी टीम के लायक हुई नहीं जो बंदे ने मेरे को निकाल दिया। तो हमेशा उसको सामने से एकदम क्लियर बात रखो, अगर उसका गेम प्ले खराब हो रहा है तो उसको पर्सनली बात करो उन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए। देखो गाइस, इन दिस वर्ल्ड नो वन इज परफेक्ट, सो स्टक ऑन वन एंड मेक देम सो कॉल्ड गुड एंड बेस्ट। हमेशा कोशिश करते रहो और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते रहो और हां एक के ऊपर टिके रहो। तो बेसिकली आज के वीडियो में कुछ इतना ही, कुछ अच्छे पॉइंट थे, कुछ बुरे पॉइंट थे। मतलब जो लोग इस वीडियो को आईजीएल की तौर से देखने आए थे उनको शायद बहुत कम चीजें मिली होंगी, और जो लोग समझने आए थे कि हाँ आईजीएल वर्क कैसे करता है और उसके अंदर होनी क्या चाहिए खूबियां, उनको बहुत सारे टॉपिक मिल गए होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे बेसिकली, जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, ताकि तुम्हें एकदम आगे जाने में मदद कर सकते हैं अगर तुम उनसे चीजों फोकस करते हो तो। सो गाइस, दिस चैनल इज नॉट ओनली अबाउट फ्री फायर एंड ई स्पोर्ट, यहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो हाँ, फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो गाइस, आज के वीडियो में गाइस इतना ही। टिल एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत, और हाँ बहुत जल्दी नई वीडियो आएगी, तब तक की जय श्री राम।